कोटा में एमवीएस अस्पताल के ठेका श्रमिकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अस्पताल के अधीक्षक का घेराव किया और इसी दौरान ठेका श्रमिकों ने राज्य सरकार को संविदा कर्मचारियों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के निर्णय की जानकारी मांगी। ठेका श्रमिकों का कहना है कि अस्पताल में विगत 20-20 सालों से ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको संविदा कर्मी नहीं माना जाता। ऐसे में ये कर्मचारियों के साथ कुठारघात की श्रेणी में आता है। ठेका श्रमिकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सभी पेपर्स में, कोटा के पेपर्स में आया था कि बीडी कल्ला जी ने जो उसमें अध्यक्ष है बीडी कल्ला जी, उन्होंने उसमें ज्ञापन उसमें न्यूज़ में बताया कि जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनकी न्यूज़ वहाँ पर मांगी थी, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो हमारे पास यहाँ पर लेटर आए थे पहले, लेकिन छोटे कर्मचारी होने की वजह से हमारे पास किसी तरह का कोई आगे वहाँ पर कोई कागज़ मांगे हैं और यहाँ से कागज़ गए नहीं गए इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साहब के पास आए थे। साहब बता रहे हैं कि सभी के वहाँ पर पहुँचा दी गए हैं, यहाँ पर इनका सभी इतने समय से शोषण हो रहा है और अगर वहाँ पर इनको संविदा कर्मचारियों में नहीं काउंट किया गया तो ये सारे के सारे इनका इतने समय से शोषण तो हुआ है और वहाँ पर परे रह जाएंगे ये। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।